अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम का बेक हो गया, बेक का एन उधर हो गया, एन उधर की वीडियो का और वीडियो का टॉपिक हो गया, वीडियो का ये टॉपिक हो गया भाई। थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा यार, स्कूल लाइफ यानी कि मैंने जब अब तो हिस्ट कर रहा हूँ मैं, और मैंने स्कूल लाइफ मेरी कैसी गुजरी, इतनी मैंने 5 क्लास तक पढ़ी है, तो भाई इतनी बेहतरीन जो मेरी स्कूल लाइफ गुजरी और आने वाली भी है, आने वाली जो उसमें तो इतना मज़ा नहीं आया, बड़ी क्लास हुई थी, लेकिन छोटी क्लास है जो इतनी बेहतरीन गुजरी है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, अब बारी आती है अपनी स्कूल लाइफ के बारे में। सबसे पहले हम बनाते हैं स्कूल का, आता है हमारा टाइम, स्कूल का ही हमारा टाइम। अब आया हमारे पप्पा ने आके उठाया भाई, उठ जाओ 7 बजे ना, 7 बजे भाई हमारा स्कूल लगता था 8 बजे, जबकि सर हमारे पता ही क्या बोलते थे, पौने 8 बजे स्कूल के अंदर आ जाना वरना आपके ऊपर फाइन लगेगा भाई। जब फाइन लगने की बारी आती हम जाते थे 8:15 बजे भाई, असंभव, 8:15 बजे थे, 8:15 बजे जाते थे, और जब वो बोलते थे फाइन लग गया, लाओ भाई फाइन दो भाई, हम पता ही क्या करते थे, स्कूल चीज़ के पैसे होते थे, एक आध दफा शायद सर ने हमारे ले लिए थे, उसके बाद से तो भाई हमने ये पैसे लिए, मोड़े मोदे के अंदर डाले, जूते पहने चले गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सर हम तो पैसे ही नहीं लाए, हम चीज़ ही नहीं खाएंगे आज, क्या करें भाई, ऐसी। और फिर उसके बाद स्कूल में इंटर हो गए। फिर आती है हमारी पिरे की बारी भाई। जब पिरे होली होती थी तो मेरे को सबसे आगे तो नहीं, सबसे छोटे जो बच्चे होते थे कद वाले उनको आगे खड़ा जाता था, मैं तकरीबन बीच में होता था, और हम तो फिर हमारी बचत रहती होती है, जो छोटे होते थे उनको तो भाई ऐसा उसमें प्रे में आ जाओ, चलो भाई नाच पढ़ो किरत करो, और पाक सर जमीन छत भात सारे बच्चों भाई, कभी कभी तो हमें भी बुला लिया जाता था, और पता है हमारी प्रे कैसी हो रही थी, पाक सर सो रहे होते थे भाई पीरे में, कुछ पता नहीं है, जो बराबर वाला पढ़ रहा है वो बोलते हुए चलेगा। उसके बाद आता था हमारे स्कूल का टाइम, जब हमारे प्रिंसिपल स्कूल में इंटर होते थे ना, उनके इंटर होने के बाद पूरी स्कूल खामोश हो जाता था, एक क्लास वाहिद थी जिसमें शोर की आवाज़ें आ रही थी, पारी होती थी ओ, और वो इस क्लास का मैं बता देता हूँ 9 मैट्रिक, और 9 मैट्रिक में से एक स्टूडेंट हैं, मैंने भी इसके स्कूल लाइफ के बारे में वीडियो बनाई हुई है, सुभान शेख्स, आप उनकी भी जाके स्कूल लाइफ की वीडियो देखें, उन्होंने बताया हुआ था, और उन्हीं की उसकी स्कूल लाइफ की जो वीडियो बनाई है उन्हीं की क्लास में सर आवाज़ें आ रही होती थी, तो भाई बहुत मज़ा आता था। और उसके बाद आती थी अब नेक्स्ट जो है हमारी है पेपर, हमारा आता था पेपर का टाइम। अब पेपर का टाइम जब आता था ना, हमारे स्कूल सर बोलते थे 8:30 बजे बिल्कुल पेपर स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई, 7:45 बजे घर से निकले, क्या कह दिया मैंने, क्या कहा। हमारे स्कूल के कोने में जो ना चीज़ की दुकान थी, वो सुबह बंद होती थी, वहाँ पे कॉपी लेकर आए याद करने के लिए, नीचे लिया पूरा पेज पढ़ा, पूरा उतार लिया, उसको भी मोजे में डाला, चले गए स्कूल के अंदर, सारों से कॉपियाँ ले ली, और सर जैसे आगे पीछे हुए निकाला पेपर, लिखते गए भाई, ऐसे हमने रीडिंग करी। और जब पेपर का होता था आखिरी दिन, पेपर के आखिरी दिन में तो भाई हमने क्या नहीं करा, क्या नहीं पूछो, पेन होते थे पेन के अंदर इंक भरी, डिस्को की शीशियाँ ली, मैडम वो भी मना करती थी भाई ये नहीं लाया करो, आखिरी दिन वो छीन लेती थी हमारे को, केप पेन कराए, केप के अंदर डिस्को की बोतलें रख दी। कौन है ये लोग, पेन में तो इंक वैसी भरती थी, ब्लैक ब्लू सब भरते थे, इंक की पूरी डिब्बियाँ ले आते थे भाई, जैसे स्कूल से बाहर निकले पेपर का सब पे इंक डिस्को, उसको यार क्या स्कूल की लाइफ थी, वो बहुत मज़ा आता था, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। उसके बाद जब हम लास्ट बात करते हैं, और भाई हमारे प्रिंसिपल के पास होता था एक डंडा, वो डंडा मैं बोल रहा हूँ कैसा होता था, वो आप डंडा लगा लें वो गटर की खवच्चियाँ नहीं होती नहीं, वो इतने कंजूस थे वो होता था, उसके बाद लाल टेप चढ़ा कर लाते थे। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाँ तो भाई अब आता है हमारा स्कूल का मैच का टाइम। अब जब स्कूल में हम रखते थे मैच, डिसाइड करते थे एक बंदा बैट लिया है, बॉल लिया है, विकेट लिया है, सभी लेकर आ जाते थे, और पूरे दिन से स्कूल में पता है क्या चल रहा होता था, तो आज तो देख मैं तो छक्के मारूंगा, मैच में ही जितवाऊंगा भाई, ऐसा लगता था यहाँ हम नहीं खेलने, शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर खेलना है, मैं बॉलिंग शुएब अख्तर करा रहा, शाहिद अफरीदी खेल रहा है भाई, ऐसे आ रहे थे मैं छक्का मार दूंगा, इतने छक्के मारूंगा, मैं जितवाऊंगा मैच। और जब खेलने का टाइम आया पहले तो भाई ऐसी ख्वारी होती थी, इतनी ख्वारी होती थी, बिल्डिंग से ग्राउंड से बाहर बोल जा रही है, इधर से उठा कर ला ये कर वो कर,
आधे टाइम में बताया क्या कर रहे होते थे भाई, एक कवर भी नहीं हुआ, थोड़ी सी खुआरी करी पठानकोट होटल पे भाग गए हमने पानी पीने। भाई इतनी बार तो पानी पीने जाते थे हम, और पानी पीने से ज़्यादा और सांस फूलती थी क्योंकि हम खेलते थे सांस फूलती, पहले पता ही नहीं था, डायरेक्ट गए पानी पिया, डायरेक्ट गए पानी पिया। भाई फिर जब आती थी हमारी बैटिंग, कभी कभार आती थी, वैसे तो आती नहीं थी, सिर्फ खुआरी करने के लिए हम समझ लें मैदान में जाते थे और बोलते ऐसे थे छक्के मारूंगा ये करूंगा। बैटिंग आती थी मतलब हम गए बैटिंग पे, दूसरा बंदा सामने था बॉल करा रहा, मैंने बोला छक्का मार दूंगा ये देख ये कर, पहली बॉल पे आउट हो जाते थे। भाई ऐसी होती थी यार, पहले कुछ भी खेलना कहाँ आता था, बहुत मज़ा आता था हम लोगों को तो अपनी स्कूल लाइफ में। आप लोगों को कैसा मज़ा आता होगा आप भी बताएं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को एंड करते हैं कि अच्छी उम्मीद के साथ आप अपना बहुत ख्याल रखें, चलें अल्लाह।